दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ही शानदार जीत हासिल की है और अब भारतीय टीम का अगला मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ होने वाला है, जो कि 2 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला है, जिसमें MS धोनी ने श्रीलंका को धूल चटाने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में अचानक से बड़े बदलाव कर दिए हैं। और आपको बता दें कि MS धोनी ने ऐसे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है जिनका प्रदर्शन अभी बिल्कुल खराब चल रहा है, और ऐसे खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में मौका दिया है जिनके नाम सुनते ही श्रीलंका के सभी खिलाड़ी अभी से ही थर थर कांप रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि भारत ने अपने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक 6 मुकाबले खेले हैं और सिर्फ भारतीय टीम ही है जिन्होंने 6 में से 6 मुकाबलों में जीत हासिल की है। और आपको ये भी बता दें कि इंग्लैंड को हराने के बाद भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुकी है और इसी के साथ भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल पर सबसे पहले स्थान पर है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय टीम इस समय कितना शानदार और खतरनाक प्रदर्शन कर रही है। और दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत का अगला मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ होने वाला है और MS धोनी श्रीलंका के खिलाफ ये मैच किसी भी हाल में जीतना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ अपना 7वां मैच भी जीत जाती है तो भारतीय टीम को पॉइंट्स टेबल में काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो आइए अब जानते हैं कि MS धोनी ने श्रीलंका को धूल चटाने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को मौका दिया है और कौन से खिलाड़ी हैं जिनको अपनी प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम की पूरी प्लेइंग 11 भी बताएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस खबर की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ये जान लेते हैं कि कैसे भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल की थी। दोस्तों, भारत बनाम इंग्लैंड के मैच में एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि भारत इंग्लैंड के खिलाफ ये मैच हार जाएगी, पर दोस्तों भारत के कुछ शानदार खिलाड़ियों ने खतरनाक प्रदर्शन करके भारत को ये हारा हुआ मैच भी जिता दिया था और भारत का सीना चौड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि भारत बनाम इंग्लैंड के मैच में इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, और जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आती है तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ एक बड़ा स्कोर खड़ा कर देगी। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने भारतीय टीम के बल्लेबाज टिक ही नहीं पाए। उन्होंने इस मैच में काफी खराब प्रदर्शन किया है और भारतीय टीम के फैंस को काफी ज्यादा निराश भी किया है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि शुभमन गिल कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं और शुभमन गिल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो हर फॉर्मेट में रन बनाना जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 के किसी भी मैच में शुभमन गिल ने शानदार प्रदर्शन नहीं दिखाया है। वो जिस तरह के बल्लेबाज माने जाते हैं उस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने अभी तक नहीं की है। आपको बता दें कि शुभमन गिल इंग्लैंड के खिलाफ 13 गेंदों पे 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। वहीं दोस्तों, अगर हम भारतीय टीम के महान बल्लेबाज विराट कोहली की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि विराट कोहली इस समय काफी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे हैं और वो वर्ल्ड कप 2023 के हर एक मुकाबले में रन भी बना रहे हैं, और भारतीय फैंस को विराट कोहली पर सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि वो इंग्लैंड के खिलाफ एक बड़ा स्कोर बनाएंगे, पर विराट कोहली ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था और विराट कोहली इस मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं और सिर्फ 9 गेंदों पर 0 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन श्रेयस अय्यर भी इंग्लैंड के गेंदबाजों के आगे टिक ही नहीं पाए थे। वो भी इंग्लैंड के खिलाफ बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए थे, मात्र 16 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। यानी दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम के जितने भी महान बल्लेबाज हैं, यानी कि विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, किसी ने भी इतना शानदार प्रदर्शन नहीं किया। सभी इंग्लैंड के गेंदबाजों के आगे टिक ही नहीं पाए और सभी इंग्लैंड के खिलाफ फ्लॉप साबित हुए थे। पर भारत के कुछ ऐसे भी बल्लेबाज जैसे कि कप्तान रोहित शर्मा, KL राहुल और सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा के रख दी थी। अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो उन्होंने इस मैच में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2023 के सभी मैचों में अपने बल्ले से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं और अपने विरोधी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा के रख दे रहे हैं। हमारे हिटमैन के सामने तो कोई भी गेंदबाज टिक ही नहीं पा रहा है और रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड के गेंदबाजों की अकेले ही धज्जियां उड़ा के रख दी है। और आपको बता दें कि जिस तरह रोहित शर्मा लंबे लंबे छक्के मार रहे थे, उन्हें देखकर भारतीय टीम के फैंस काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 101 बॉलों पर 87 रन की शानदार पारी खेली थी, जिसमें शानदार 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। अगर आप रोहित शर्मा के इस इंग्लैंड के खिलाफ प्रदर्शन से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। वहीं अगर हम KL राहुल की बात करें तो KL राहुल भी इस मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वहीं KL राहुल इस मुकाबले में 39 रन बनाकर आउट हो गए थे। वहीं अगर हम 360 डिग्री यानी कि सूर्य कुमार यादव की बात करें
तो सूर्य कुमार यादव ने इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है। आप लोग तो जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं, और अगर वो मैदान में टिक जाते हैं तो वो भारत के लिए बड़ा स्कोर भी बना सकते हैं। और सूर्य कुमार यादव एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैदान में हर तरफ रन बनाना जानते हैं। और आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा के रख दी थी। और दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने इंग्लैंड के खिलाफ 49 रन की शानदार पारी खेली थी। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर 230 रन का टारगेट बनाया था। यानी दोस्तों, विरोधी टीम के लिए ये बहुत ही छोटा स्कोर था, और कप्तान रोहित शर्मा इस स्कोर से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम इस टारगेट को तो आसानी से पार कर जाएगी। हाँ, ये सच है कि इंग्लैंड वर्ल्ड कप 2023 में अपने किसी भी मैच में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। पर दोस्तों, आप तो ये जानते हैं कि इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में नंबर 9 तक बैट्समैन भरे पड़े हैं। और जब भारत के खिलाफ इंग्लैंड की टीम मैदान में बल्लेबाजी करने आई, तो शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड के बल्लेबाज ये टारगेट तो आसानी से पार कर जाएंगे और मैच को अपने नाम कर लेंगे। और दोस्तों, फिर भारतीय टीम के दो खतरनाक भूखे शेर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने तो कमाल कर दिया था। इन दोनों गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों की तो धज्जियां उड़ा के रख दी थी। आप लोगों को बता दें कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जिस तरह की खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, उनकी गेंदबाजी को तो कोई भी इंग्लैंड का बल्लेबाज खेल नहीं पा रहा था। आप लोगों को बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने 7 ओवर में मात्र 32 रन देकर 3 विकेट चटकाई हैं। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप 2023 में हर एक मैच में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और खतरनाक तरीके से बॉलिंग भी कर रहे हैं। और वहीं अगर हम भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की बात करें, तो मोहम्मद शमी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को तो टिकने का मौका ही नहीं दिया था। जैसे कि आप जानते हैं कि मोहम्मद शमी को वर्ल्ड कप 2023 के पहले 4 मैचों में बाहर रखा गया था, और ऐसे में सवाल ये उठ रहे थे कि मोहम्मद शमी, जो कि भारत के खतरनाक तेज गेंदबाज हैं, उन्हें भारतीय टीम में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा। लेकिन जब हार्दिक पांड्या बांग्लादेश के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए चोटिल हो गए थे, तो उनकी जगह मोहम्मद शमी को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था, और उन्होंने अपने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया है। और मोहम्मद शमी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों के तो परखच्चे उड़ा के रख दिए थे। आप लोगों को बता दें कि मोहम्मद शमी ने इंग्लैंड के खिलाफ 7 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट चटकाई हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खतरनाक गेंदबाजी की थी, और उस मैच में उन्होंने अकेले ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा के रख दी थी। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अकेले ही 5 विकेट्स लिए हैं। यानी दोस्तों, मोहम्मद शमी ने इन दोनों ही मैच पर शानदार 9 विकेट चटकाए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद शमी को वर्ल्ड कप 2023 में हर एक मैच में खिलाया जाएगा? आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि एमएस धोनी ने श्रीलंका को कुचलने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को मौका दिया है। तो अगर हम पहले नंबर की बात करें, तो पहले नंबर पर आपको कप्तान रोहित शर्मा दिखने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कप्तान रोहित शर्मा इस समय काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और रोहित शर्मा हर मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर हर मैच में रन भी बना रहे हैं। और वहीं अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, तो दूसरे नंबर पर हमारे युवा प्रिंस यानी कि शुभमन गिल को लिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि शुभमन गिल भी इस समय काफी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हाँ, ये सच है कि शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। तो अब सवाल ये उठता है, क्या शुभमन गिल श्रीलंका के खिलाफ एक बड़ा स्कोर बना पाएंगे? ये तो हमें मैच के वक्त ही पता लगेगा। वहीं अगर हम तीसरे नंबर की बात करें, तो तीसरे नंबर पर हमारे विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली को लिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि विराट कोहली इस समय काफी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और विराट कोहली वर्ल्ड कप 2023 के हर एक मैच में रन भी बना रहे हैं। हाँ, ये सच है कि विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। पर दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो क्या विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी बना पाएंगे? ये तो हमें मैच के वक्त ही पता लगेगा। वहीं अगर हम चौथे नंबर की बात करें, तो चौथे नंबर पर एमएस धोनी ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एमएस धोनी ने चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर को अपनी टीम से बाहर कर दिया है। और आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर की जगह एमएस धोनी ने सूर्य कुमार यादव को अपनी टीम में मौका दे दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि श्रेयस अय्यर ने वर्ल्ड कप 2023 के किसी भी मैच में इतना शानदार प्रदर्शन नहीं किया है, वो हर एक मैच में फ्लॉप साबित हुए हैं। तो दोस्तों, इसको देखते हुए एमएस धोनी ने श्रेयस अय्यर को अपनी टीम से बाहर करते हुए सूर्य कुमार यादव को चौथे नंबर पर मौका दे दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव कितने विस्फोटक बल्लेबाज हैं, और सूर्य कुमार यादव एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैदान में हर तरफ रन बनाना जानते हैं, और अगर सूर्य कुमार यादव मैदान में टिक जाते हैं तो वो रनों की बरसात ला देते हैं।
और वहीं अगर हम पांचवें नंबर की बात करें तो पांचवें नंबर पर हमारे विकेटकीपर बैट्समैन केएल राहुल को लिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि केएल राहुल इस समय काफी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं और केएल राहुल हर एक मैच में शानदार प्रदर्शन करके भरा स्कोर भी बना रहे हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको पांचवें नंबर पर केएल राहुल दिखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम छठे नंबर की बात करें तो छठे नंबर पर हमारे भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को लिया गया है। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या जो कि बांग्लादेश के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए चोटिल हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ बाहर कर दिया गया था। पर अब हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और श्रीलंका के खिलाफ अपनी खतरनाक गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो दोस्तों अगर हम सातवें नंबर की बात करें तो सातवें नंबर पर हमारे भारत के दूसरे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को लिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि रविंद्र जडेजा ने भी काफी शानदार गेंदबाजी की है और रविंद्र जडेजा ना ही सिर्फ खतरनाक गेंदबाजी करते हैं, वो खतरनाक बल्लेबाजी भी करते हैं। आपने रविंद्र जडेजा को इंग्लैंड के खिलाफ देखा ही होगा, उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा के रख दी थी और इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने एक विकेट चटकाई थी। वहीं दोस्तों अगर हम आठवें नंबर की बात करें तो आठवें नंबर पर हमारे चाइनामैन यानी कि कुलदीप यादव को लिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुलदीप यादव भारत के काफी खतरनाक स्पिन बॉलर हैं और उनकी स्पिन को तो कोई भी विरोधी टीम का बल्लेबाज खेल ले नहीं पाता है। और अपने कुलदीप यादव को इंग्लैंड के खिलाफ देखा ही होगा, उन्होंने उस मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को टिकने का मौका ही नहीं दिया था और इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने दो विकेट चटकाई थी। वहीं दोस्तों अगर हम आठवें नंबर की बात करें तो आठवें नंबर पर हमारे भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को लिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि मोहम्मद शमी इस समय काफी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं और इंग्लैंड के खिलाफ मोहम्मद शमी ने अकेले ही चार विकेटें चटकाई थी और वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ मोहम्मद शमी ने पांच विकेटें चटकाई थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एमएस धोनी ने एक बार फिर मोहम्मद शमी को श्रीलंका के खिलाफ मौका दे दिया है। और वहीं दोस्तों अगर हम दसवें नंबर की बात करें तो दसवें नंबर पर हमारे भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल कर दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह भी भारत के काफी खतरनाक तेज गेंदबाज हैं और इंग्लैंड के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने सात ओवर में मात्र 32 रन देकर तीन विकेटें चटकाई हैं। तो दोस्तों अगर हम 11वें नंबर की बात करें तो 11वें नंबर पर हमारे भारत के तीसरे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को मौका मिला है। जैसे कि आप जानते हैं कि मोहम्मद सिराज अभी ओडीआई रैंकिंग नंबर 1 पे हैं और मोहम्मद सिराज काफी खतरनाक गेंदबाज हैं और वो अपनी गेंदबाजी से विरोधी टीम के बल्लेबाज को टिकने का मौका ही नहीं देते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी भारतीय टीम जो कि अपने अगले मुकाबले में श्रीलंका को कुचलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपके मन में ऐसा कोई नाम है जिसको मौका मिलना चाहिए था तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और क्रिकेट का आनंद लेते रहिए।